हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूँ मैं। तो IBO 1 का जो आपका सब्जेक्ट है, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करती है किसी भी बिजनेस के वर्किंग को एक फॉरेन एनवायरनमेंट में। तो सपोज आपकी कंपनी किसी फॉरेन एनवायरनमेंट में जाकर के काम कर रही है, तो किस तरीके से उस कंट्री की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जहां पे आपकी कंपनी काम कर रही है, वो किस तरीके से आपके बिजनेस के वर्किंग को अफेक्ट करेगी, वो हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, आई होप कि आपको काफी पसंद आएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं IBO 1 से लेकर के IBO 6 तक के हमारे चैनल पे। आप अगर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके फर्स्ट ईयर के IBO 1 से IBO 6 और सेकंड ईयर के MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक के सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर जाकर के आप बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट आंसर्स मिल जाएंगे, जिनको आप देख करके डेफिनेटली आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है हमारा, राइट, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी बिजनेस की वर्किंग को, है ना। किसी भी फॉरेन एनवायरनमेंट में किस तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस के वर्किंग को, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो इट इज सेड दैट अ फॉरेन बिजनेस फर्म ऑपरेट्स ओनली एज अ गेस्ट एंड एक्ट एज अ कन्वीनियंस ऑफ द होस्ट कंट्री गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी फॉरेन बिजनेस जो है वो किसी भी कंपनी में एज ए गेस्ट काम कर रही होती है, और वहां की कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर रही होती है किसी भी होस्ट कंट्री में, है ना। तो होस्ट कंट्री का जो भी गवर्नमेंट होगा, आप वहां पे जब अपने बिजनेस को लेकर के जाओगे तो आप एज ए गेस्ट वहां पे काम कर रहे हो, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट ऑफ अलाउिंग अ फॉरेन फर्म टू ऑपरेट इन द कंट्री एज वेल एज लाइंग डाउन द मैनर इन विच द फॉरेन फर्म कैन कंडक्ट बिजनेसेस, है ना। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि गवर्नमेंट जो होती है, जिस पर्टिकुलर कंट्री में आप काम करना चाह रहे हो, वहां की जो गवर्नमेंट है उसके पास ये सोल राइट होता है कि वो आपकी कंपनी को वो अपने कंट्री में अलाउ करेगी नहीं करेगी, उसके पास है वो राइट, है ना। और साथ ही साथ आप अपनी कंपनी को उस बिजनेस उस गवर्नमेंट उस में उस कंट्री के गवर्नमेंट में आप अपने बिजनेस को किस तरीके से उसको चलाओगे, किस तरीके से उसको मैनेज करोगे, ये सारी की सारी चीजें जो है फॉरेन गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरीके से डिसाइड करती है, उनके ऊपर जो है वो एक किस्म का अधिकार होता है। टू गेन एन इनसाइट इनटू फॉरेन कंट्रीज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वन नीड्स टू एनालाइज फैक्टर्स सच एज करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, पॉलिटिकल इनकरेजमेंट टू फॉरेन फर्म्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल रिस्क टू बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं आपको, मैं एक एक करके इन सारी चीजों को हाईलाइट कर देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, किस तरह का गवर्नमेंट जो है अभी चल रहा है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इनकरेजमेंट किस तरीके का है फॉरेन फर्म्स के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, है ना, एंड पॉलिटिकल रिस्क कैसा है आपके बिजनेस के लिए। मैं एक एक करके आपको एग्जांपल के साथ बताता चलूंगा। टू गेन एन इनसाइट, अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि किसी भी फॉरेन कंट्री का एनवायरमेंट कैसा है, तो आपको ये पता करना होगा कि वहां पे गवर्नमेंट किस तरीके की है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं तो अभी हाल ही में कनाडा में मैरिजुआना को एक तरीके से लीगल कर दिया गया, तो वहां की गवर्नमेंट एक तरीके से लोगों को सपोर्ट, वहां की कंपनीज को सपोर्ट कर रही है कि वो मैरिजुआना का सेल जो है कर सकते हैं, क्योंकि लोग वहां पे मैरिजुआना लेते हैं, है ना। तो एक तरीके से वो वहां पे लीगल कर दिया गया। तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आए जो बोले कि नहीं, हम मैरिजुआना को बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो एक तरीके से आपका अगर प्रोडक्ट मैरिजुआना बेस्ड है तो आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे लॉन्च नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे, आपको बिजनेस करने में वहां पे दिक्कत होगी, राइट। तो किस किस्म का वहां पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये भी एक सवाल होता है कि गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, एनआरकी है, या फिर डिक्टेटरशिप है, किसी एक व्यक्ति का डिक्टेटरशिप है। तो वैसे ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी आपको जो है काम करने में दिक्कत होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में उतनी दिक्कत नहीं होती है। वहां का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कैसा है, मतलब कोई एक व्यक्ति ही पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहा है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि एक तरीके से अपने मन मुटाव को अलग रख करके कंपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, ये सारी चीजें जो है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट कैसा है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अभी ये गवर्नमेंट है, 5-6 महीने बाद गवर्नमेंट टूट गई, कोई और गवर्नमेंट बन गई, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अगर ठीक नहीं रहेगी तो वो एक तरीके से आपके बिजनेस के लिए एक थ्रेट पोज करती है, जिसके जिसके कारण जो है आपके बिजनेस को वहां पे काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक ब्रीफ आइडिया हमें हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ये एक पहला पॉइंट है,
राइट, सो गवर्नमेंट इन अ फॉरेन कंट्री कैन बी इधर पार्लियामेंट्री और एब्सोल्यूटिस्ट। तो किसी भी गवर्नमेंट में जब आप काम करोगे, किसी भी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट में जब आप काम करोगे, तो वहां की गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके की होगी, या तो पार्लियामेंट्री होगी जहां पे कानून पास होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरीके से पार्लियामेंट्री होगी, या फिर एब्सोल्यूटिस्ट होगी जहां पे कोई एक व्यक्ति जो है एक तरीके से डिसीजन लेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि वो भी डिस्कस करता है, बट वो एक एक तरीके से वो डिक्टेटरशिप होता है, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है ना। व्हाइल द पार्लियामेंट type of government is run by people's representatives selected from time to time, and the absolutist government assumes the form of absolute monarchies or dictatorship, or any few select few make policy. जैसा कि मैंने आपको बताया कि parliamentary type of government में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, ये आपका पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे आप अपने लोगों को चुनते हो, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो टाइम टू टाइम, जो कि कानून बनाती है लोकसभा और राज्यसभा में जा करके। और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, जो जो मोनार्की होती है ना, मतलब राजा महाराजाओं का प्रचलन होता है, या डिक्टेटरशिप का प्रचलन होता है, वहां पे कुछ लोग ही सिर्फ मिल करके पॉलिसीज बना लेते हैं। सोचो एक कंट्री की पूरी पॉलिसी जो है कुछ लोग मिलकर के बना रहे हैं, तो वो कंट्री कैसे काम कर पाएगी ठीक तरीके से, है ना। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वन नीड्स टू नो वेदर इट इज सिंगल पार्टी सिस्टम, वहां पे क्या कोई सिंगल पार्टी सिस्टम है या मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूं कि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी वहां पे डिसीजन लेती है, इसलिए वो कंट्री बहुत आगे भी है एक तरीके से, क्योंकि उसको अपोज करने वाला उसके अपोजिशन में कोई है ही नहीं, तो वन पार्टी रूल है। तो वो गवर्नमेंट जिस कंट्री के जिस कंपनी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार रखेगी, वो कंपनी डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ेगी। इसलिए देखना एप्पल के गूगल के जो बड़े बड़े ऑफिसेस थे वो पहले चाइना में हुआ करते थे, है ना। लेकिन इसके बहुत सारे खराब चीजें भी हैं, बट मैं सिंगल पार्टी सिस्टम की मैं फायदे गिना रहा हूँ। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में जैसे कि हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लो, यहाँ कांग्रेस है बीजेपी बहुत सारी पार्टीज हैं, मेन नेशनल नेशनल लेवल पे दो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी। तो सपोज अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट सपोज आई, तो उन लोगों ने हो सकता है ऐसे लॉज जो कि बीजेपी ने पास करे थे उसको कैंसिल कर दे, है ना। इस तरह की चीजें होंगी, जैसे कि कांग्रेस की बहुत सारी चीजें जो है बीजेपी कैंसिल कर देती है, या फिर उसको रीब्रांडिंग करती है, फिर बहुत सारी चीजें करती है। तो ये एक सिस्टम जो है वो चलता है मल्टी पार्टी सिस्टम में, जहां पे बिजनेस को ये सोच लेना होता है कि भाई हम इस गवर्नमेंट में काम करेंगे तो हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी, ये आपको समझ लेना होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन द मल्टीपल पार्टी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो वहां पे क्या है जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्टेबल है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा टॉपिक्स। नाउ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। नाउ बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम वन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड गवर्नमेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड फॉरेन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम तो चलो समझ में आ गया, सिंगल पार्टी डबल पार्टी जो भी होती है मल्टी पार्टी, बट एक व्यक्ति को एक गवर्नमेंट को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी कैसी है ये भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीजेपी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी सख्त है, थोड़े से कंजर्वेटिव लोग हैं इसमें, जो पुरानी अपनी यू नो जो चीजें हैं उसको बचा करके रखना चाहते हैं, मॉडर्न चीजों को बर्दाश्त नहीं करते, मॉडर्न चीजों के ऊपर एक तरीके से बैन लग जाता है यू नो। तो इस तरीके की आपकी जो आइडियोलॉजी होगी वो एक तरीके से आपकी गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी जो होती है किसी भी गवर्नमेंट की, वो एक तरीके से उसके लिए एक अफेक्ट करती है। हालांकि अगर बीजेपी गवर्नमेंट का अगर यू नो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, हमारी रैंकिंग जो है दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है, बिजनेस को अच्छा मौका मिल रहा है, एफडीआई भी इंडिया में आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर जगह पर जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं वो एक तरीके से माहौल बिगाड़ देते हैं और बिजनेसेस को एक तरीके से वापस जाना पड़ जाता है, तो वो एक सिचुएशन है। तो किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड है टुवर्ड्स बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिजनेस फॉर्म के लिए किसी कंट्री में ऑपरेट कर पाना। इन एडिशन टू रेगुलेटरी रोल, गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन बी डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द बिजनेस, है ना। तो गवर्नमेंट सिर्फ बिजनेस को रेगुलेट नहीं कर सकती, बल्कि वो डायरेक्टली उस बिजनेस में इन्वॉल्व भी हो सकती है अगर वो चाहे तो, ऐसा भी होता है। In such cases, government enterprise emerge as a dominant players in the market and pose tough competition to the foreign firms. अब sometimes क्या होता है कि जो foreign firms होती है वो suppose कोई idea लेकर के business में आ रही है कि हम इस चीज का business करेंगे इस country में, और वो country में already कोई एक PSU है, जैसे कि public sector unit होता है हमारे इंडिया में, वहाँ पर already एक public sector unit है जो कि government की है, जो कि same product को बनाती है कम दामों में, या फिर अलग अलग चीजें की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस situation में जो foreign company होगी उनके लिए competition थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे government की company ही काम कर रही है, तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट की कंपनी को ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि भाई गवर्नमेंट की कंपनी है ना। इस तरह की चीजें होती है। इवन
सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट एजेंसीज इज नॉट हैसल फ्री, है ना। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी एक तरीके से हैसल फ्री नहीं है। मतलब यहाँ पे भी बहुत रसाकसी चलती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है लोगों को। सो बिकॉज ऑफ द मोनोपोसोनिक पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इट बिकम्स क्वाइट एरडस टू नेगोशिएट प्राइसेस एंड अदर टर्म्स विद देम, है ना। तो सपोज जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की कोई प्रोडक्ट कंपनी है और आप फॉरेन कंपनी है जो कि सेम प्रोडक्ट में काम कर रही है, तो आप उनके साथ नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, आपको नेगोशिएशन करने में बहुत दिक्कत होगी, आप प्राइस डिसाइड नहीं कर पाओगे और आपकी जो बिजनेस है एक तरीके से वो चल नहीं पाएगी फॉरेन एनवायरमेंट में। तो आपको वो सारी चीजें भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी उस गवर्नमेंट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है और उस कंट्री का रोल ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, ठीक है। बात कर लेते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज आर मेजर कंसर्न फॉर द इंटरनेशनल फर्म्स, सिंस बिजनेस डिसीजंस दीस डेज इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड इररिवर्सिबल व्हाट द फॉरेन फर्म्स लुक इन फॉर पॉलिटिकल स्टेबल कंट्रीज, है ना। तो जो स्टेबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फर्म के लिए। अगर आप इंटरनेशनली किसी कहीं पर जा रहे हो काम करने के लिए, तो वहां पर इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उन कंट्रीज में उन कंपनीज के द्वारा, अगर वहां पे किसी भी तरह की कुछ गलती होगी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैन रिजल्ट इन इधर चेंज इन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर होगी तो हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वही चेंज हो जाए, है ना, जो शिफ्ट हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज या द गवर्नमेंट, और चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज विदाउट चेंज इन द गवर्नमेंट और शिफ्ट्स इन द पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट ही बदल जाती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि सिचुएशन इतना खराब हो जाता है कि गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज में बदलाव लाना पड़ता है। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्म के लिए जब आप बाहर जा रहे हो काम करने के लिए, है ना। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हो। उसके बाद का पॉइंट है पॉलिटिकल रिस्क, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बिजनेस, वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। So, political risk, which is defined as the vulnerability of a project to the political acts of a sovereign government, is a big threat to the foreign businesses, है ना? तो foreign businesses के लिए जो political risk होता है, एक बहुत बड़ा threat pose करता है किसी भी foreign government में कि political risk जो है वो किस तरीके का है। The political acts leading to the political risk can range from confiscation, expropriation, nationalization, domestication or restrictions on transfer of funds, है ना? तो जो political risk है वो इसी तरह की चीजों के कारण होता है। मैं क्या करके आपको बता दूं, है ना, जो पॉलिटिकल रिस्क होता है वो रेंजेस फ्रॉम, देखो, कॉन्फिस्केशन हो सकता है, एक्सप्रोप्रिएशन हो सकता है, नेशनलाइजेशन हो सकता है, जो आपने सुना होगा नेशनलाइज कर दिया गया था हमारी बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे बैंक्स को एक टाइम पे आकर के। तो पॉलिटिकल रिस्क एक इस तरीके का हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अनस्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल रिस्क के लिए। सो कॉन्फिस्केशन क्या होता है और ये कैसे ऑकर करता है, ये मैं आपको अब बताता हूँ। सो कॉन्फिस्केशन ऑकर्स व्हेन अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट विदाउट एनी कंपनसेशन। तो कन्फिस्केशन में क्या हो गया कि एक फॉरेन गवर्नमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको एक तरीके से गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया बिना उनको किसी भी तरह का कंपनसेशन दिए हुए। कोई सपोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया, वो ठीक तरीके से काम नहीं किया और वो अब वो वापस जाना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पूरा ही अपने पास रख लिया, और जो कंपनी वापस जाना चाहती है क्योंकि उनका बिजनेस काम नहीं किया, आपने उसको किसी भी तरह का कोई कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया, है ना। तो ये एक तरह की चीज होती है जो कि पॉलिटिकल रिस्क है, है ना। एक्सप्रोप्रिएशन में क्या होता है, तो एक्सप्रोप्रिएशन टेक्स प्लेस व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स ओवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बट सम कंपनसेशन इज पेड। तो कॉन्फिस्केशन का ही एक छोटा सा आगे का पार्ट है एक्सप्रोप्रिएशन। कॉन्फिस्केशन में आप कुछ भी कंपनसेशन पेड नहीं कर रहे हो, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा जो कंपनसेशन है वो पेड कर रहे हो एक्सप्रोप्रिएशन में। नेशनलाइजेशन में तो खेल ही अलग चल रहा है भाई, वहां पे आपकी कंपनी को एक तरीके से जब्त कर लेगा और जब्त करके उसको नेशनलाइज कर देगा कि वो राष्ट्रीय कंपनी घोषित हो गई, है ना। तो नेशनलाइजेशन अफेक्ट्स द इंटायर इंडस्ट्री, सिंगल कंपनी। नेशनलाइजेशन किसी एक सिंगल कंपनी को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि पूरी की पूरी जो इंटायर इंडस्ट्री होती है उसी को वो अफेक्ट करती है। एंड इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ द कन्फिस्केटेड और एक्सप्रोप्रिएटेड बिजनेस टू अ नेशनल फर्म और गवर्नमेंट एंटिटी। जो भी उन लोगों ने जब्त किया है गवर्नमेंट ने, वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएंगी गवर्नमेंट की किसी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट फर्म को। आप समझ रहे हो ये किस तरह की चीज हो जाती है। तो इस चीज में भी आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल रिस्क आपके लिए क्या है अगर आप किसी फॉरेन एनवायरनमेंट में काम करने के लिए जा रहे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डोमेस्टिकेशन।
Domestication is a mild form of intervention and involves transfer of control of foreign investment to national ownership. Domestication में क्या हो रहा है, ये जो nationalization है वही एक तरीके से domestication है. यहाँ पे एक तरीके से जो है आप अपने transfer, जो आपका transfer था foreign company का, वो government को वो जो है ownership transfer जो है वो एक तरीके से हो जा रहा है ना. Firm's activities in line with the national interest. है ना, तो गवर्नमेंट का या फिर नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक फॉरेन कंपनी का जो है इन्वेस्टमेंट को अपने अंडर में ले लिया जाता है ताकि उसकी एक्टिविटीज को अब आप संभालो और उसका एक तरीके से डोमेस्टिकेशन हो सके. इट डिफर्स फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन इन द सेंस दैट इट इज ग्रेजुअल इन इंपोर्चमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ फॉरेन ऑपरेटर. ये एक तरीके से जो है अलग हो जाता है हमारे एक्सप्रोप्रिएशन में, क्योंकि एक्सप्रोप्रिएशन में आपको जो है एक तरीके से आपको कंपनसेशन मिल रहा है, आपको कुछ शेयर्स मिल जा रहे हैं. लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फॉरेन ऑपरेटर होगा उसके पास कोई पावर ही नहीं होगा डोमेस्टिकेशन के क्षेत्र में, तो सारी की सारी पावर से वो गवर्नमेंट के पास ही चली जाती है. ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. डोमेस्टिकेशन कैन बी ईदर फर्म इनिशिएटेड और गवर्नमेंट, ऊपर की तरफ चलता हूँ, और गवर्नमेंट इनिशिएटेड whereas firm initiated and predetermined domestication entail low level of risk, government initiated domestication is quite risky and is ranked with the expropriation. है ना, तो कोई political, कोई foreign government, कोई foreign company अगर ये initiate कर रही है कि उनको domestic करवाना है, तो वो एक तरीके से हो सकता है कि उनका pre-planned हो, predetermined हो कि मैं ये काम जाकर के करने वाला हूँ. लेकिन अगर ये initiation government के द्वारा किया गया है तो वो किसी भी foreign company के लिए बहुत ज्यादा risky हो सकता है और ये एक तरीके से एक किस्म का expropriation ही कहलाएगा, है ना. तो ये एक पॉइंट है. Another type of risk relates to the temporary or permanent blocking of funds, unlike the other kind of risk. अब इस तरह के रिस्क में क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसके फंड वो एक तरीके से गवर्नमेंट रोक देती है कि मैं फंड आपको एक तरीके से लेके जाने नहीं दूंगा इंडिया के बाहर, आपको उस पैसे को इंडिया में ही वापस लगाना पड़ेगा. इस तरह की जो है एक प्रॉब्लम होती है. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आपको बताता हुआ चलता हूँ, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूं. जी, मैं एक एक करके आपको हाईलाइट करके बताता हुआ चलता हूं. तो यहाँ पे क्या हो गया कि टेम्पररी और परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स किया जा रहा है गवर्नमेंट की, तो जिसके द्वारा किसी भी फॉरेन कंपनी को काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. अनलाइक अदर काइंड ऑफ रिस्क द बिजनेस फर्म अंडर ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ओन्स द फंड्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स बिल्ड, इट कैन नॉट रिमिट द फंड्स और अर्निंग बैक टू द होम कंट्री. देखो यहाँ पे फॉक्स को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया गया कि आप अपने कंपनी के फर्म्स को फंड्स को आप एक कंट्री से बाहर निकाल ही नहीं सकते, एक तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया गया कि आपको उस फंड्स को वहीं रखना पड़ेगा, है ना. सो दिस वाज अ कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियंस ड्यूरिंग अमीन्स रूल इन युगांडा. जब युगांडा में अमीन्स का रूल था, अमीन एक वहां के नेता हुआ करते थे, राष्ट्रपति थे आप बोल सकते हो, तो उनके टाइम पे जो इंडियन फर्म्स थी, जो इंडियन कंपनीज थी वहां पे, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जहां पे उनको ये अलाउ नहीं किया गया कि वो युगांडा की संपत्ति को, हालांकि वो उनकी अपनी कमाई हुई संपत्ति है, भले ही युगांडा में कमाई हो लेकिन अपनी कमाई हुई संपत्ति है, उसको वहां से वो बाहर निकाल सके. तो ये प्रॉब्लम जो है उस टाइम पे युगांडा में हुई थी. ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड नॉट फॉर्मली मेक एनी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग टेक ओवर ऑफ प्रॉपर्टी, इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द फर्म टू रिपैट्रिएट देयर अर्निंग्स इन एनी फॉर्म, है ना. तो गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का टेक ओवर अनाउंस नहीं किया कि हम जो है प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर रहे हैं और आपको इसके बदले कंपनसेशन मिलेगा. उन लोगों ने एक तरीके से बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे इसको जो है एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया और कुछ बोला भी नहीं ठीक तरीके से, जिसके कारण से किसी भी फर्म्स के लिए रिपैट्रिएट करना, मतलब वहां से चीज अपने अर्निंग्स को बाहर निकालना, बहुत दिक्कत हो गया. नो डाउट ब्लैक मनी मार्केट ऑपरेशंस में एग्जिस्ट इन एनी कंट्री. आपको पता है कि ब्लैक मनी जो एक तरीके से एग्जिस्ट करता है किसी भी कंट्री में. इट इज डिफिकल्ट फॉर सच ऑपरेशंस टू हैंडल लार्ज स्केल ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, है ना. तो उस केस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप लार्ज लेवल ऑफ फंड्स को एक तरीके से मैनेज कर सको या फिर ऑपरेट कर सको. ठीक है ना, एक छोटा सा पैराग्राफ और है फिर खत्म हो जाएगा. International firms need to proactive approach to deal with the political risk. जो भी international firms किसी foreign environment जाकर काम कर रही होती है उनके लिए बहुत important हो जाता है कि वो proactive approach के साथ काम करें किसी भी तरह के political risk को झेलने के लिए. An effective management of risk. Risk calls for recognizing the existing and various kind of political types of risk and their consequences, the developing appropriate plans and political to deal with the such risk. यहाँ पे जो बात बोली गई वो यही है कि एक तरीके से जो भी कंपनी होती है उनको एक तरीके से प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, जाकर के अच्छे तरीके से देख लेना होगा कि किस तरह की रिस्क वहाँ पे है, किस तरह के पॉलिटिकल टाइप ऑफ रिस्क जो है उनको वहाँ पे झेलने पड़ सकते हैं, किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज उनको झेलनी पड़ सकती है अगर किसी भी तरह का कोई रिस्क अगर अराइज होता है तो, और उनके अकॉर्डिंग जो है उन लोगों को प्लान करके चलना होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है एक तरीके से अफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस के फंक्शनिंग को किसी भी फॉरेन एनवायरनमेंट पे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।